हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, आपका अपने चैनल श्वेतास लाइब्रेरी प्लेनेट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल में आपके साथ शेयर करने वाले हैं सेवई कटोरी डिज़र्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डेली का खाना खाते और स्वीट डिश खाते बोर हो गए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहते हैं, तो झटपट सेवई कटोरी डिज़र्ट हमारी तैयार है। या छोटी मोटी घर की पार्टियों के लिए भी हम इसे तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा सा टेस्ट लोगों को दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेली के लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ श्वेतास लाइब्रेरी प्लेनेट में। तो चलिए झटपट बना लेते हैं। हमने लिए यहाँ पे सेवई, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ लेंगे। कढ़ाई में हमने एक चम्मच घी लिया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हम छोटी छोटी सेवइयों को इसको धीमी आँच पे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूनिक डिश सिर्फ आपको श्वेतास लाइब्रेरी प्लेनेट पे देखने को मिलेगी। यहाँ हमने ऐड किया है 3 चम्मच पानी। जी हाँ दोस्तों, इसको हमको कटोरी पर शेप देना है ना, तो इसलिए थोड़ी सॉफ्ट करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इसको पानी को डाल के हम इसे भून लेंगे। आप चाहें तो 3 चम्मच से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम डाल रहे हैं छोटी इलायची। आप चाहें तो छोटी इलायची के भी डाल सकते हैं, साथ में पाउडर भी। कंडेंस मिल्क भी हमने लिया है इसकी कटोरी शेप देने के लिए। इसे हमें सॉफ्ट बनाना होगा, इसलिए हम इसे धीमी आंच पे मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि ये झटपट बन के तैयार हो जाए और हमारी हेल्दी डाइट रेडी है। कटोरियाँ हमने ली हैं, आइसक्रीम कप्स लिए हैं। आप चाहें तो कटोरी में छोटा प्लास्टिक पतला लगा के इसे कटोरी का शेप दे सकते हैं। इसे गरम गरम में ही हमें कटोरी का शेप दे देना होगा। अगर ठंडा करेंगे तो ये हमारा कटोरी शेप नहीं ले पाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम कटोरी बना लेंगे। आप चाहें तो मार्केट से आइसक्रीम कप्स भी ला सकते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद कप्स में हम इस तरीके से कटोरी शेप दे के 1 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। तो देखिए, फ्रीज करने के लिए हम इसे रख देते हैं। तो ये हमारा पूरी तरीके से कटोरियाँ फिल हो गई हैं। अब हम बनाएंगे रबड़ी, जिसके लिए हमने लिया है थोड़ा सा पाउडर, मिल्क पाउडर लिया है हमने, साथ में कॉर्न पाउडर लिया है, इलायची ली है और साथ में चीनी डाले हैं हम। इसको हल्का मिक्स कर रहे हैं इस तरीके से, धीमी आंच पे ही हमको करना है। और हमने 1/2 लीटर इसमें दूध मिक्स किया है। जी हाँ दोस्तों, हमें रबड़ी बना रहे हैं तो दूध अगर कम रहेगा तो, जब ज़्यादा रहेगी क्वांटिटी तो आई थिंक जब इसका पेस्ट बनेगा तो ये अच्छा लगेगा। इस तरीके से हमको धीमी आंच पे हिलाते जाना है। अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, थोड़े से दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था। मेरे पास वेनिला फ्लेवर था, इसलिए यहाँ पे मैंने उसे मिक्स किया है। साथ में हमने केसर के धागे भी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। और वेनिला फ्लेवर के अलावा अगर आप चॉकलेट फ्लेवर डालना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट का यूज़ किया है, आप चाहें तो टूटी फ्रूटी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, धीमी आंच पे ही उबाला आते आते ये किस तरीके से थिक हो रहा है, देख रहे हैं? ये देखिए, अब हमारा ये ड्राई फ्रूट्स इसमें हम मिक्स कर दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम मिक्स कर दें। आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी वगैरह डाल सकते हैं, मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ किए हैं। तो ये हमारी रबड़ी बनके तैयार हुई है, क्योंकि मैं सेवई में रबड़ी दे रही हूँ, यानी दूध का फ्लेवर। डाइट भी अच्छी हो जाएगी और स्वीट डिश भी हो जाएगा। अब हम इसे फ्रीज़ कर देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। फ्रीज़ होने के बाद ये देखिए, देख रहे हैं किस तरीके से थिक हो गई है ये हमारी रबड़ी, ठंडी ठंडी। और स्मेल तो इलायची के फ्लेवर की इतनी अच्छी आ रही है दोस्तों कि क्या बताऊँ, पूरी इलायची इलायची। और हमारा देखिए, ये फ्रीज होके कटोरी भी रेडी हो गई है। इस कटोरी में आप आइसक्रीम भी भर सकते हैं और रबड़ी भी भर सकते हैं। रबड़ी का फ्लेवर वेनिला भी हो सकता है या चॉकलेटी भी। ये देखिए, अब हम इसे हल्के हाथों से एकदम उतारेंगे, धीरे धीरे एकदम हल्के हाथों से उतारेंगे, ताकि ये टूटे ना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा शेप लिया है हमारी सेवई कटोरियों ने। तो देखा, रेडी हो गई हमारी सेवई कटोरियाँ। अब हम इसमें फिलिंग करते हैं रबड़ी, इस तरीके से हल्के हाथों से ही हमें इसमें फिल करते जाना है। और इसे हम जल्दी ही सर्व भी कर देंगे, ऐसा ना हो कि हमारी कटोरियाँ सॉफ्ट हो जाएं और वहीं पे पिघलनी शुरू हो जाएं। तो इसे हमें जल्द से जल्द इस तरीके से फिल कर लेना होगा। साथ में हम डेकोरेट्स करते हैं इसको अपने ड्राई फ्रूट से। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी वगैरह से भी ड्राई फ्रूट कर लीजिएगा इस तरीके से, देख रही है।
डेकोरेट हम कर लेते हैं। तो सर्व के लिए तैयार है। ये देखने में तो सुंदर लगेगी, खाने में तो बहुत ही सुंदर आएगा। ये हमारी बनके तैयार हुई सेवई कटोरी डिजर्ट। तो इसे आप टेस्ट जरूर करिएगा, अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, बच्चों और बड़ों को टेस्ट ज़रूर कराइएगा। और हमने तो आपके साथ शेयर कर ही लिया, तो हम तो टेस्ट ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो श्वेताज लाइब्रेरी प्लेनेट को ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे यूनिक डिश आपको ज़रूर खाने को मिलती रहेगी दोस्तों। तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। श्वेताज लाइब्रेरी प्लेनेट को नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।